हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनबॉक्सिंग गेम। मेरे पास आज एक बॉक्स है और क्या आप गेस कर सकते हैं इस बॉक्स में क्या हो सकता है। रिसेंटली अमेज़न की जो सेल हुई थी उसमें मैंने ये अपने लिए खरीदा था एंड लेट्स सी इसमें क्या निकलता है। टंटन सरप्राइज, मेरे पास है ये वैक्यूम क्लीनर। यस, तो फ्रेंड्स रिसेंटली मैंने ये वैक्यूम क्लीनर लिया था। देखते हैं इसमें क्या क्या हमें मिला है। सनवी प्रोग्राम बेटा, सो अभी हम इसमें देखेंगे क्या है। ओके, आई कम अप विद द रिव्यू, फुल रिव्यू बाद में, बट अभी हम देखते हैं। इट्स लाइक अ बैक टू, क्या यूज है इसका, वर्किंग क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ बाद में, नेक्स्ट वीडियो में। और राइट, माय बुक रूल्स में क्या क्या है और क्या क्या यूज है, अगेन आई हैव टू चेक द बुक है। उसके बाद आई कम विद द फुल रिव्यू। आप देख सकते हैं इसमें बहुत कुछ है और ये मेरी डॉटर बार बार मुझे परेशान करती रहती है। दिस इज ह्यूज वैक्यूम क्लीनर, आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा है। इन चीज़ों को बाद में डाल अंदर डाल देता हूँ, अंदर डाल दीजिए सामने। वेरी गुड, ये ह्यूज वैक्यूम क्लीनर। छोटा है, 15 लीटर कैसी है और इसके फंक्शन बहुत ज्यादा है। वेट, ड्राई, ब्लॉड, हम सब चीजों में यूज कर सकते हैं। Our friends, I will be using this vacuum cleaner for the first time और मुझे एक्चुअल में यूज करना जरा नहीं आता, so this is the manual. I'll see how easy it is आप सब लोगों के लिए, ठीक है। ओके, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, मेन वैक्यूम क्लीनर एंड ये पाइप है, मेन पाइप, और इसके आगे इसकी जो अटैचमेंट है वो ये है, और हमारे पास एक ये पाइप है, आई थिंक ये मे बी ब्लोअर होगा ये, और सिक्स्थ मे बी ये एक्सटेंड करने के लिए हो या मे बी देखते हैं किस चीज़ के लिए काम आती है। और अगेन आई हैव नो व्हाट इट इज, व्हाट इट इज, और ये इसमें थोड़े चार टायर दिए हैं, सबसे पहले हम इसके जो टायर्स हैं वो फिक्स करते हैं। टायर फिक्स करना बहुत आसान है, इसके टायर्स हैं, टायर्स फर्स्ट। Push down. Okay, what is it? So easily push it down or easily install again. So one charge is also in. सबसे पहला काम था ये आप टॉर्क टायर इंस्टॉल करें। अब हमारा जो वैक्यूम क्लीनर है यू कैन मूव ये, तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, पुल ऑन सेमी। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द असेंबली, इसको कैसे असेंबल करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे एक लॉक ये है, एक लॉक ये है। आप इन लॉक्स को ऐसे खोलेंगे, तो पहली चीज़ अगर हम ड्राई की बात करो, जब आप ड्राई क्लीनिंग करते हैं तो ये आपका फिल्टर है, इसको हेपा फिल्टर है, ठीक है। इसकी असेंबली हमें करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये पहले से ही इसमें फिट होकर आया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा हेपा फिल्टर, इसमें पहले से ही फिट होकर आया है, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अभी यहाँ रखेंगे, साथ में आप देखेंगे कि आपके जो बैगेज में एक आपको डस्ट बैग मिलता है, एक इस तरह का डस्ट बैग रहेगा। सो इस डस्ट बैग को आप क्या करेंगे कि इसमें ये लॉक लगा होता है,
तो आपके इसमें देखेंगे कि यहाँ पे इसको फिट करने की जगह होती है वैक्यूम को, ठीक है, वैक्यूम के साथ। और आप जब भी आप कोई भी ड्राई काम करें तो आप प्लीज़ इसको ऐसे इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। और ये हमारा इंस्टॉल हो गया ड्राई मैट, और आप इसको इस तरह से रख दीजिए और ऊपर से ड्राई उसके लिए आप इसको फिट कर लीजिए। और ये मैंने इसमें ये इसको लॉक के लिए ये फिट कर लिया, और ऐसे बहुत ही सिंपल इसकी लॉकिंग है। और ये पूरा हमारे पास जस्ट बैक इंस्टॉल हो गया। सेकंड चीज़ आप इसमें देखेंगे कि आपको साथ में एक ब्रॉड, आपका नॉर्मल जब आप फ्लोर क्लीनिंग करते हैं, जब आप फ्लोर क्लीन करते हैं उसके लिए आपको ये ब्रॉड दिया गया है फ्लोर क्लीनिंग के लिए, जब ज़्यादा एरिया आपको कवर करना हो। और सेकेंड चीज़ जो है इसको मैं याद कराऊंगी। सेकेंड आपको इसमें एक जो पाइप मिलती है, जो आपको पाइप मिलती है, ये आप इसको लगाएंगे जहाँ पे आपने अपना डस्ट बैग लगाया है। अगर इनकेस आप इसमें यूज़ कर रहे हैं वैक्यूम, तो आप डस्ट बैग वाली साइड को लगाएंगे। ये यहाँ पे मेरा डस्ट बैग था, तो इजीली ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। और सेकेंड अगर आप इसको फ्लोर के लिए यूज़ करें तो साइड से आप लगाएंगे, ठीक है। और वैसे नॉर्मली आप, और अगर आप एक्सटेंशन यूज़ करना चाहते हैं, तो उन्होंने ऐसे एक एक्सटेंशन भी इसमें दिया होता है जो आराम से ये खुल जाता है। आप देखेंगे ये ऐसे खुल जाता है, एक मिनट खुल गया, ठीक है। और इट्स वेरी इजी, ये बेसिकली इसमें अटैचमेंट है, ये सोफा वगैरह को क्लीन करना है उसके लिए। और अगर ये फ्लोर वगैरह के साथ आपने करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और अगर एक और अटैचमेंट है, अगर आप कॉर्नर से सोफे के कॉर्नर्स होते हैं उसके अंदर सफाई करनी, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये ड्राई क्लीनिंग के लिए आप तीनों यूज़ कर सकते हैं, और वेट क्लीनिंग के लिए आप बेसिकली कोई भी यूज़ कर लीजिए। वैसे ये मैं चलता है शायद ये बेटर चॉइस है, बट वेट क्लीनिंग में अगर आपको थोड़ा बहुत करना है तो आपको हेपा फिल्टर यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा करना हो तो हेपा फिल्टर आपको रिमूव करना पड़ेगा, छोटा मोटा करना है तो उसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है, और डस्ट फिल्टर आप उसे रिमूव कर लीजिए। नहीं तो अगर आप हेपा फिल्टर छोड़ बहुत ज़्यादा करना रिमूव नहीं करेंगे तो हो सकता है इजी रिमूव है करने को ये भी, तो आप देख सकते हैं इसको ऐसे इजीली ये इट कैन बी रिमूव्ड, ठीक है। और अभी इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा मेन पर्पज़ है ड्राई क्लीनिंग करने का, तो मैं इसको ड्राई क्लीनिंग के लिए ही रखूँगा, वेट क्लीन करना है अभी। आई होप आपको सारे फंक्शंस क्लियर हों। एंड आप देख सकते हैं, मैंने आपको एक चीज़, आप वैक्यूम कौन सी साइड आप चेक कर लीजिए जहाँ पे वो ये शायद मैंने गलत लगा दिया, तो वैक्यूम यहाँ पे है तो मैं इसको ठीक कर रखूँगा। बहुत ही सिंपलिस्टिक फंक्शन है इसके, ठीक है, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस है, आई गॉट इट फॉर 5,500 rupees। और अभी इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैंने सेल में लिया था। सो अगर आपको भी ये पसंद आया है तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। आई थिंक दिस कंपनी इज़ वेरी गुड, है ना। सो इट्स ब्लैक एंड डेकर, सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी इसकी वर्किंग के लिए मैं अगेन पूरा वन मोर वीडियो कि कब, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एलैबोरेटिव दिखाना पड़ेगा, तो आई पुट अप अनदर वीडियो जहाँ पे मैं इसकी बात आपको बता सकूँ। थैंक यू।